बिहार से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से लालू यादव के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मतदान करने के समय आरजेडी का चुनाव चिन्ह लेकर मतदान केंद्र पहुँचने का आरोप है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, सातवें चरण का आज मतदान, आज अंतिम चरण में जो है वोटिंग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे, लालू यादव के खिलाफ जो है चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। मतदान केंद्र पर चुनाव चिन्ह ले जाने का आरोप जो है वो लालू यादव के ऊपर लगा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। दरअसल आरजेडी का चुनाव चिन्ह लेकर के वो पहुंचे मतदान केंद्र। चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, बीजेपी ने शिकायत तो कर दी है चुनाव आयोग से, लालू प्रसाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही पार्टी के कोई प्रवक्ता और नेता हैं वो इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि लालू यादव ने जो चुनाव आचार संहिता और खास तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम और कानून बताए जाते हैं कि कोई भी वोटिंग के दिन अपना चुनाव चिन्ह लेकर अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन लालू यादव जब वेटनरी कॉलेज में पहुंचे थे वोट देने के लिए, उनके साथ राबड़ी देवी मौजूद थी, रोहिणी आचार्या मौजूद थी और उस समय वो जो गमछा गले में लटकाए हुए थे उस पर उनके पार्टी का सिंबल था, जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की है बीजेपी ने और अभी चुनाव आयोग को इसको लिखित शिकायत दी गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है, इसीलिए लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल चंद्रमोहन, लौट रहे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीर दिखा दे। देखिए लालू प्रसाद यादव ने जो गले में गमछा पहना हुआ है उस पर आरजेडी का चिन्ह है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि इस तरीके से नहीं ले जाया जा सकता चुनाव चिन्ह क्योंकि चुनाव आयोग ने मना किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव में आज फाइनल राउंड यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 40% अब तक मतदान हो चुका है, जबकि हिमाचल प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहां पर 48.63% वोटिंग हुई है। झारखंड में 46.80% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 45.07% वोटिंग हुई। वहीं यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 39.31% मतदान अब तक हुआ। पंजाब की बात करें तो यहां 37.80% वोटिंग हुई है। उड़ीसा में भी 37% मतदान हुआ है। बिहार की बात कर ले तो बिहार में वोटिंग काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रही है, यहाँ सबसे कम यानी कि 35.65% वोटिंग हुई है। तो अलग अलग राज्यों की वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। आज 7 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है, जो दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है, उसमें 40% वोटिंग हुई है, 7वां चरण आखिरी चरण। और आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 49% वोटिंग हुई है, 4 लोकसभा सीटें यहां पर हैं, लेकिन बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया अपील करता है उन दर्शकों से जिनका वोट यहां पर है, इन 57 सीटों पर है, वो घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो आज के चुनाव की 25 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7वें चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज की वोटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें पंजाब और यूपी की 13-13 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीट और 1 चंडीगढ़ सीट शामिल है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में अभी तक सबसे कम वोटिंग हुई है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अरुण सिंह है वाराणसी से, इसके अलावा पटियाला से है सुदेश नैन, गोरखपुर से है अमित सिंह, शैलेंद्र कुमार आरा बिहार से है। सबसे पहले मैं अरुण आपके पास आती हूँ। बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, दोपहर का समय है, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं, क्या वोटर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी धूप है वहां पर, गर्मी है, क्या माहौल है अरुण?
देखिए धूप और गर्मी के बावजूद सुबह से 6:30 बजे के आसपास से वोटर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। इस वक्त भी तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाता हूं तो देखिए दोपहर है, लोग कम हो गए, फिर भी लोग आ रहे हैं। जो चल नहीं पा रहे हैं, असक्त हैं, वैसे लोग भी सहारा लेके देखिए डंडे का वो चल रही हैं, वहां जा रही हैं। धूप और गर्मी दोनों है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा मतदान पर नहीं हुआ है। लेकिन इस मतदान केंद्र पर अगर आप देखिए तो वहाँ कूलर लगा हुआ है, इसके अलावा पानी मटके से पिलाया जा रहा है। जब दिखाइए कमल देव जी, यहाँ से मटके से पानी पिलाया जा रहा, छाछ पिलाई जा रही और नींबू पानी भी लोगों को पिलाया जा रहा था। अगर देखिए तस्वीरों में लोग मतदान करने के बाद वहाँ जलपान भी कर रहे हैं, जलपान की भी व्यवस्था है। इधर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए यहाँ पर भी कूलर की व्यवस्था है। तो ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर तो बहुत अच्छी व्यवस्था, सजावट भी खूब की गई है यहाँ पर, और लोग भी अच्छी खासी संख्या में आए थे। लेकिन अभी इस वक्त पिछले आधे घंटे से मतदाता इक्का दुक्का करके आ रहे हैं। सुबह से लाइनें लगी थी वाराणसी में, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अजय राय उनको कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखिए लोग आराम से, एक कूलर है, 10 लोग हैं कूलर की हवा लेने के लिए, तो थोड़ी मुश्किल इस समय उमस और गर्मी की है, धूप भी तेज है। बिल्कुल, तो इस वक्त मतदान थोड़ा सा आप भी लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। हम वाराणसी में तो देख रहे हैं कि इतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा है गर्मी का, लेकिन गोरखपुर ले चलते हैं जहाँ से मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वहां पर क्या तस्वीर है, क्या वहां भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं बावजूद इसके कि चिलचिलाती गर्मी है? देखिए अनुपमा, उमस और गर्मी अपने पीक पर है, सन टॉप पर है, तो जाहिर तौर पे पिछले आधे घंटे से हम देख रहे हैं इक्का दुक्का लोग ही बूथों पे पहुंच रहे हैं। और दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो गोरखपुर में 37% के आसपास वोटिंग हुई है। संभावना है कि परसेंटेज अभी और बढ़ेगी और अच्छी परसेंटेज यहाँ पर वोट पोल होगा। मेरे साथ यहाँ पर कई वोटर है, सबसे पहले आप लोगों ने जो वोट किया है जरा वो दिखाइए अपने लिए। देखिए ये वोट करके अभी निकले, इनसे बातचीत करते हैं। गोरखपुर में मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे गोरखपुर में विकास तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब मेरे को सरकार से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस अच्छी सरकार बन रही है, मैं यही कहूँगा कि सर गोरखपुर का बहुत विकास हो रहा है। आप बताइए। हाँ बहुत विकास हुआ है, मैं चाहती हूँ सब इस तरह विकास होता रहे, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा रहे। अब उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत, 3 बजे के बाद मतलब 4 बजे के बाद आएंगे लोग, अभी और लोग आएंगे मेरे हिसाब से, अभी और वोटिंग गोरखपुर में बाकी है, और वोटिंग होगी अभी, और उम्मीद करते हैं अच्छी सरकार बने, और उमस की वजह से थोड़ा सा वोटिंग के में प्रभाव पड़ सकता है मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि 42 डिग्री टेम्परेचर आज है, 2 दिन पहले यहाँ पर 50 डिग्री क्रॉस कर गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे। पटियाला का रुख करते हैं सुदेश नैन के पास। सुदेश नैन, पटियाला हॉट सीट है, आप ये बताइए कि मुद्दे क्या है यहाँ पर इस बार? बिल्कुल, पटियाला हॉट सीट है, देखिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगातार उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 17 चुनाव हुए इस लोकसभा सीट पर, उनमें से 11 दफा ऐसा हुआ कि कांग्रेस का हाथ मजबूत रहा, यानी कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवार चुने गए। अब शाही परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल ये बन चुकी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह परिवार समेत अब पार्टी छोड़ चुके हैं, कमल थाम चुके हैं। चुनौती ये है परनीत कौर के सामने, क्या वो कांग्रेस के गढ़ में कमल खिला पाएंगी? यहां सियासी पारा पूरा हाई रहा, किसानों के विरोध का खूब सामना करना पड़ा कांग्रेस उम्मीदवार को। वहीं डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो 2014 में आपकी टिकट से चुनाव जीत कर आए थे, वो इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, आम आदमी पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्री पर दांव खेला है, डॉक्टर बलबीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन साथ में आपने दर्शकों को बताना चाहिए, एक बार बिहार भी लिए चलते हैं।